इंजीनियरिंग के लिए होने वाली संयुक्त प्रवेश परीक्षा जी में टलने के बाद अब एमबीबीएस में प्रवेश के लिए होने वाली राष्ट्रीय प्रवेश पात्रता परीक्षा यानी कि नीट भी पोस्टपोन हो चुकी है। यह परीक्षा 3 मई को होने वाली थी। 27 मार्च की नीट के एडमिट कार्ड जारी होने वाले थे, लेकिन नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि एनटीए ने प्रवेश पत्र जारी करने पर रोक लगा दी थी। अब मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने कोरोना वायरस के संक्रमण और लॉकडाउन की स्थिति के चलते नीट और जीमेन दोनों प्रवेश परीक्षाओं को मई के अंतिम सप्ताह तक स्थगित कर दिया है। मानव संसाधन विकास मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने ट्वीट करके कहा है कि परीक्षा के दौरान स्टूडेंट और पेरेंट्स को विभिन्न जगहों पर स्थित परीक्षा केंद्रों तक यात्रा करनी पड़ेगी। किसी तरह की असुविधा से बचने के लिए मैंने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि एनटीए को नीट यूजी 2020 और जी मेन 2020 मई के अंतिम सप्ताह तक टालने का निर्देश दिया है। एनटीए की ओर से जारी नोटिस में कहा गया है कि कोरोना वायरस महामारी के कारण स्टूडेंट और पेरेंट्स को आ रही दिक्कतों के मद्देनज़र नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने 3 मई को होने वाली नीट यूजी परीक्षा 2020 स्थगित कर दी है। फिलहाल नीट परीक्षा का आयोजन अब मई के अंतिम सप्ताह में प्रस्तावित किया जाएगा। हालात की स्थिति की समीक्षा करने के बाद तय तिथि की घोषणा की जाएगी। जो एडमिट कार्ड पहले 27 मार्च को जारी होने वाले थे, अब स्थिति की समीक्षा करने के बाद 15 अप्रैल के बाद जारी हो गए। दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि किसी भी स्टेट में या किसी भी शहर में COVID-19 यानी कि कोरोना वायरस के केस बढ़ते हैं तो इनका असर सीधा नीट की एग्ज़ाम में पड़ता है। और अगर माना जाए तो लॉकडाउन के बाद एक भी केस पॉजिटिव नहीं आते हैं तो ही पॉसिबिलिटी है कि ये 14 अप्रैल को होगी, अदरवाइज उस डेट को भी पॉसिबल नहीं है जो एनटीए ने बताया है। दोस्तों, एनटीए की नोटिस में जो एग्ज़ाम की डेट बताई गई है लास्ट वीक ऑफ मई को होने वाली है, वहीं इस बात पर डिपेंड करता है कि COVID-19 की क्या स्थिति रहती है। अदरवाइज नीट की एग्ज़ाम को लेकर एनटीए की ओर से काफ़ी चेंजेस आ सकते हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।